अगर आपके पास जियो की सिम कार्ड है उसमें डाटा बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, क्या आपके पास जियो की सिम है उसमें आपका इंटरनेट डाटा है बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपकी जो जियो की सिम है उसमें इंटरनेट नहीं आ रहा है, यूट्यूब भी नहीं चल रहा है, ना तो व्हाट्सअप चल रहा है, ना फेसबुक चल रहा है, आप जो चला रहे हैं वो चल ही नहीं रहा है, तो कैसे आप इंटरनेट की प्रॉब्लम को अपनी जियो की सिम में सही कर सकते हैं, इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखो सबसे पहले आपको इस वीडियो के लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके सिंपल से आप अपने मोबाइल की सेटिंग में आएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है सिम कार्ड या फिर मोबाइल डाटा, इस तरीके से होगा जैसे इसमें मोबाइल नेटवर्क है, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके पास यहाँ पे जो भी सिम होंगी जियो की, एक नंबर में या दो नंबर में, उस सिम को आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन आएगा, यहाँ पे ये लिखा है अनेबल, ये आपका ऑन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो वाईफाई या डाटा रोमिंग, आप इसे ऑन कर लीजिए, और जो वाईफाई कॉलिंग है इसे आप बंद कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आप यूज़ नहीं करते होंगे। उसके बाद एक्सेस पॉइंट नेम पे क्लिक करके यहाँ पे आपको थ्री डॉट पे क्लिक करके इसे रीसेट एक्सेस कर लेना होगा, ठीक है, या तो फिर नीचे की तरफ आपको ये सेटिंग मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे ऑपरेटर आपका यहाँ पे सिलेक्ट होना चाहिए, ठीक है, आपके फ़ोन में यहाँ पे कैरियर भी शो हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको करनी होगी। उसके बाद एडवांस सेटिंग पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपके मोबाइल में शो होगा, अगर दो सिम कार्ड यूज़ करते हैं, यूज़ मोबाइल डाटा ड्यूरिंग कॉल्स, ये आपको ऑन कर लेना होगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ बैक जाएंगे, बैक जाने के बाद आप इस तरीके से जाएंगे, अब यहाँ पे आपको अपने मोबाइल को एक बार स्विच ऑफ करके ऑन करना है, तो चलिए मैं स्विच ऑफ करके ऑन करता हूँ, ठीक है। जैसे आप स्विच ऑफ करके ऑन करेंगे उसके बाद आप अपने YouTube को इस तरीके से करेंगे, और यहाँ पे आपका जो इंटरनेट डाटा है अगर फिर भी नहीं चल रहा है फिर आपको एक सेटिंग लास्ट में और करनी होगी, ठीक है। उसके लिए आपको अपने इस तरीके से यहाँ एक एयरप्लेन का मोड मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे, या फ्लाइट मोड आपके फ़ोन में हो सकता है, और उस पर आप फिर से क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपका डाटा डिस्कनेक्ट होगा, उसके बाद आप यूट्यूब इस तरीके से ओपन करेंगे, और यहाँ पे आपका जो यूट्यूब है अच्छे से चलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटरनेट हमारा थोड़ा स्लो है, तो स्लो होने का कारण एक ये भी हो सकता है, जैसे कि जिस सिम के ज़्यादा ऑपरेटर आपके क्षेत्र में होंगे तो क्या होता है उसकी स्पीड कम हो जाती है, ठीक है। जैसे मेरे क्षेत्र में जियो के ऑपरेटर जा रहा है, यानी कि चलाने वाले जियो सिम ज़्यादा हैं, तो ऑटोमेटिक वहाँ पे स्पीड कम हो जाएगी, और जहाँ पे जौन से सिम के यूज़र कम होंगे वहाँ पे इंटरनेट की स्पीड हमेशा बड़ी ही रहेगी, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से समझ लीजिए, जैसे कि मेरे यहाँ पे जियो का थोड़ा इशू है, ठीक है, जबकि शहर में जियो अच्छा चलता है, ठीक है, तो आपकी जो प्रॉब्लम है अच्छे से सॉल्व हो गई होगी। फिलहाल मैं लेता हूँ दोस्तों इस वीडियो में विदा, जय हिंद।